तो वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोकिया के एक और अपकमिंग धमाकेदार स्मार्टफोन नोकिया माजा प्रो लाइट 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा किलर कॉम्बिनेशन और बेस्ट प्राइस के साथ देखने को मिलता है तो इस वीडियो में इस स्मार्टफोन की पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखेगा तो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले पार्ट से तो आपको इसमें सिक्स पॉइंट की सुपर एमोलेट टू डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि आपको 144 फोर्टी हर्ट्स के हाइयर रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी और इन फिगर पिन सेंसर के साथ देखने को मिलेगी एच डी आर टेन प्लस के साथ देखने को मिलेगी तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है और नेक्स्ट स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एट नाइन्टी एट चिप सेट देखने मिल जाता है जो कि फाइव जी बी एक् चिपसेट रहने वाला है और एट जी बी रैम वन ट्वेंटी एट जी बी स्टोरेज और एट जी बी रैम टू फिफ्टी सिक्स जी बी स्टोरेज वाले वेरियंट भी देखने को मिलेंगे तो ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस पार्ट में भी आपको बिल्कुल भी कमी रहने वाली नहीं है और नेक्स्ट हम इस स्मार्टफोन के कैमरा पार्ट की बात करें तो आपको इसमें 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा और साथ ही 64 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है तो क्या मेरा एक्सपीरियंस भी आपका टॉप नॉच ही रहने वाला है और स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको इसमें सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एम एच के एक पावरफुल बैटरी देखने मिलेगी और साथ ही 64 फोर वोट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहने वाला है तो एक बड़ी बैटरी और साथ में सुपर फास्ट चार्जर तो बैटरी बैकअप ले थम्सअप तो रहने वाला है और स्मार्टफोन के प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड आपको फोर्टी थाउजेंड के अराउंड देखने मिलेगा जो कि किलर कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलने वाला है और लास्ट में स्मार्टफोन के लॉन्च डेट की बात करें तो अराउंड आपको नेक्स्ट टू मंथ के अराउंड देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है तो ऑल ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है और दोस्तों स्मार्टफोन के बारे में आपका कोई ओपिनियन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और स्मार्टफोन को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं तो परचेस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन